राजगढ़ ब्यावरा जिला मुख्यालय पर 9 वर्ष के पहले दिन पुलिस का रवैया देखकर सभी हैरान थे। जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले तो एसपी प्रदीप शर्मा अपनी टीम के साथ मौजूद नजर आए। एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा टीम के साथ ब्यावरा के पीपल चौराहे पर कार्यक्रम रखा। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए 9 वर्ष के उपलक्ष्य में बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट दिए गए और इसके फायदे बताए। 60 से अधिक बाइक सवारों को हेलमेट प्रदान किए गए। इसके अलावा जो लोग हेलमेट लगाकर जा रहे थे उनको गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। शहर से चोरी हुए मोबाइल साइबर सेल की मदद से जब्त किए गए थे और जिन लोगों के मोबाइल चोरी हुए थे उनको बुलाकर लौटाए गए। एसपी शर्मा ने सभी जिले के बाशिंदों को नववर्ष की शुभकामना दी। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। जो लोग उपस्थित नहीं है पूरे ब्यावरा को, राजगढ़ को, मीडिया के साथियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, पुलिस परिवार को, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने इसे राजगढ़ में किया था। अब इसको हमेशा दो चीजों से क्लब करने का प्रयास करते हैं। एक जो आप लोगों को 1 तारीख को हम लोग एक छोटी सी खुशी देना चाहते हैं, जैसे पंकज ने बताया कि उसका कीपैड मोबाइल अभी यूज कर रहा है और उसका मोबाइल उसने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदा था और वो कहीं गुम गया था। 3 महीने पहले से उसने पढ़ाई नहीं करी, आज उसको बड़ा खुशी है कि वो वापस पढ़ाई कर पाएगा। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम लोग प्रयास करते हैं आप लोगों से बांटते रहे। उम्मीद है 1 तारीख को जिन लोगों को ये सामान मिला है पूरे साल उनको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। दूसरा हमारा पर्पज होता है यातायात के संबंध में जागरूक करना। आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने में कई घटनाएं हुई हैं। हमारे कई प्रयासों के बावजूद ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग इसमें खुद रुचि ना लें अपनी सुरक्षा में। आपने हम लोगों ने कई एक्सीडेंट्स के वीडियो भी जारी करवाए आपको ये दिखाने के लिए कि गलती किसकी थी। जैसे अगर हम राजगढ़ का जो कंटेनर एक्सीडेंट हुआ था उसमें देखें तो मुझे लगता है सब लोग ये जानते होंगे कि कंटेनर वाले की गलती कम थी, मोटरसाइकिल वाले की गलती ज्यादा थी और उससे उसको खुद का नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसके परिवार को भी नुकसान हुआ। एक कंटेनर भी चला गया, उसका सामान भी चला गया, इतने लोगों को मेहनत करना पड़ी और कई लोग जो वहां पर उपस्थित थे उसको भी उसका नुकसान हुआ। हमारी आप लोगों से अपेक्षा यही है आप लोग यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हेलमेट आप लोगों को फ्री में बांटे जा रहे हैं, इनका प्रयोग करें। अभी आपने देखा कि दो महिलाएं थी जो तैयार होकर कहीं समारोह में जा रही थी, बट हमारे लिए हमारे मेकअप की कीमत इतनी ज्यादा है जो जिंदगी से बढ़कर है। अभी लगता है कि हमारे बाल खराब हो जाएंगे, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा या मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं इसलिए मैं हेलमेट ना लगाऊं। गलती किसी की भी हो सकती है लेकिन खामियाजा आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, रॉन्ग साइड ना चलें। इसी में आपकी सुरक्षा है और आपके परिवार की समृद्धि भी है। इसी के साथ पुनः आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ये दोनों इनाम के पात्र हैं, इनको पदक से लाओ। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पुलिस परिवार की तरफ से नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं नया साल जिस तरह से आप लोगों ने पिछले साल एकत्रित रहकर इकट्ठा रह के हर मुश्किल का सामना किया है, इस साल भी आप हर मुश्किल का सामना करेंगे और 2021 हम सबके लिए शुभ हो और मंगलमय। सर, आज ये मोबाइल वितरण और इसका हेलमेट का वितरण किया गया, क्या है प्रकार? हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि 1 तारीख को हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, उसको कोई ना कोई खुशियां दें। हमने पिछले 1 महीने प्रयास किया, जो लोगों के मोबाइल घूमे थे, जैसा कि आप लोगों ने पंकज एक जो हमारे फरियादी थे उनसे सुना, उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से एक मोबाइल खरीदा था और 3 महीने पहले ये मार्केट में गुम हो गया था और वो 3 महीने से ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर पा रहे थे, केवल कीपैड के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। आज हमने उनका मोबाइल ढूंढा। ऐसे 25 और मोबाइल हैं जिसमें कुछ 1 लाख रुपए के हैं, कुछ 1.5 लाख रुपए के, इस तरह के मोबाइल हैं। लोग बहुत खुश हैं, ये हमारी तरफ से हमारे लोगों को नए साल का तोहफा था। साथ ही एक यातायात जागरूकता के लिए थाना यातायात सुबेदार जो मरावी है उनके माध्यम से एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें कुछ हेलमेट हम लोगों को स्पॉन्सरशिप में प्राप्त हुए हैं, वो सभी को वितरित किए और लोगों को एक मैसेज देने का भी प्रयास किया कि ये जो साल है बड़ी मुश्किल से हम लोग 2021 में इतनी चीजों का सामना करते हुए आए। हमारा जीवन अमूल्य है, अनमोल है, हमारे परिवार के लिए अनमोल है, इसलिए हम सभी यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाएं। यही कार्यक्रम हम अभी अन्य थाना क्षेत्रों में भी जारी रखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 2021 में हम जो एक्सीडेंटों का आंकड़ा है उसको कम से कम 20% से नीचे लाने का प्रयास।
ये अभी नौ पहल आगे कब तक चलती रहेगी? ये अभी हमारा प्लान है, अभी यातायात जागरूकता सप्ताह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी आएगा, हमने इसका ये प्रलूड है, ये पूरा जनवरी माह अभी चलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।